ये लीजिए सर, ये आ गई है सोसाइटी। यहाँ पे एक से एक रिच क्लास फैमिली रहती है। जैसा आपको घर चाहिए ना, वैसा मिलेगा यहाँ। जौन सा आपको घर पसंद करना है तो कर लीजिए। सुमित, मुझे सबसे अच्छा घर वो लग रहा, देख। हाँ मम्मी, ये घर तो सही में अच्छा है। देखो पापा। अच्छा है बेटा, तो ठीक है डीलर महोदय, इस वाले घर की डील कराइए। ये नहीं होगी सर। नहीं होगा मतलब? सर कोई और सा देख लीजिए। अरे भाई साहब बात सुनो, हमें घर चाहिए यही। आपको क्या परेशानी है आप वो बताओ। जो चीज मेरे बीवी बच्चों को पसंद है वही लेनी है, हमें यही घर लेना है। सर समझा करे बात को, और भी तो घर हैं, वे देख लीजिए। अरे आप अपनी परेशानी बताओ ना, आपको क्या दिक्कत है इस घर से, हमें यही घर चाहिए। आपने ये घर किसी और को बेच दिया क्या? अरे नहीं मैम। अरे तो घबरा काहे को रहे हो भाई, इस घर में भूत है। भूत में डर गया? ओए मेरी टोपी भी लगी, भूत है। पापा भूत से ना पोछा लगवाए, पोछा, झाड़ू पोछा, फ्री का सर्वेंट। कभी आपको लगाना पड़े पोछा। मार्केट में से डीलरी खत्म कर दूंगा तेरी मैं, इसकी डील करा जल्दी से। ये आप अपनी जिम्मेदारी पे ले रहे हो, मैं बाद में आपकी कॉल तक नहीं उठाऊंगा। हाँ तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिंदगी है, हम खुद तेरे को ब्लॉक कर देंगे। डील करा। डील डन है, आप शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट हो जाओ? भाई साहब एक बार घर तो दिखा दो, अंदर से तो दिखा दो। मैं कदम भी अंदर नहीं रखूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो यार, घर की बिजली की फिटिंग, बाथरूम की फिटिंग, खिड़की दरवाजे, सारी चीजें चेक करनी है। सब चीज ओके है। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है? पापा छोड़ो ना, करो डील फाइनल। ठीक है बेटा डन। मेरी पेमेंट? ठीक है आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी, आप निकलो। भूत है, भूत भूत है। अरे कितना बढ़िया घर है, और वो निकम्मा क्या कह रहा था? भूत रहते हैं यहाँ। अरे पापा वो पागल बना रहा था हमारा, ताकि इतना अच्छा घर ना मिले हमें। अरे वो अपने रिश्तेदार को देना चाह रहा होगा ना। अरे वैसे भी इतने बड़े घर में एक भूत तो एडजस्ट हो ही सकता है। ठीक कह रहे हो पापा, सर्वेंट लगा लेंगे उसको, पोछा वोचा लगा देगा, चाय वाय बना देगा आपके लिए, तनख्वाह दे देंगे उसको हम। और पापा वो जो सामान लेके आएंगे ना ऊपर, उनको बोल देना मेरा सामान उस रूम में रख दे। हाँ उसमें रखवा देंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। और मम्मी बहुत तेज की भूख लगी है, आप वो जो खाना लेके आए ना वो लगा दो। वेलकम होम। मजा आ गया पापा, पेट भर गया, बहुत स्वाद खाना था। अरे ये इतना खाना बच भी तो गया, आप क्या करो इसका? करना क्या है, फेंको डस्टबिन में, क्या काम आएगा ये। हाँ मम्मी और नहीं खा सकते अब, समेटो इसको और फेंक दो डस्टबिन में। कौन अरेस्ट कर दिया, कौन अरेस्ट कर दिया? तुम्हें मैं बताऊंगा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा। ये अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत किया, सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। एक मिनट, मतलब हम तीनों की सोच एक जैसी है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे सीरियल कब तक चलेंगे, हमारा भी हक है टीवी देखने का। हाँ मम्मी कब तक बोर करोगे ऐसे, दे दो ना। कभी कभी देखती हूँ मैं, फिर क्यों डिस्टर्ब करते हो मेरे को, देखने दो मेरा सीरियल थोड़ा सा रह रहा। ले लेना। दे दो ना मम्मी। लो एक आधा सीरियल क्या देखूं, इतना डिस्टर्ब करने लग जाते हैं बाबू बेटा। देखो इतनी बढ़िया मूवी लगाऊंगा हॉरर वाली, और लाइट बंद कर देना, भूत की मूवी ना अंधेरे में अच्छी दिखेगी। मजा आएगा मम्मी भूतों की मूवी देख के। तुम्हारे सीरियल के चक्कर में लेट हो गया मैं।
मम्मी कुछ गया टीवी के ऊपर से गया, कुछ गया है। पागल हो रहा है, भूत की मूवी आधा घंटा तो देखी भी नहीं, अब से पहले तेरे को दिखने भी लग गया, मच्छर मकड़ी भी नहीं है घर में, आराम से बैठ। भूत तो नहीं था मम्मी, टीवी के ऊपर से गया था, कुछ मैंने देखा था। भूत ही हो बैठा, वहां कहां नजर आएगा। अरे मेरे शेर, इतना बड़ा हो रहा है अब भी डरता है। सीन देख, अच्छा कितना बढ़िया आराम। क्या हो गया वहां पे? भूत था भगवान, वहां का भूत था, टीवी में भूत की फिल्म चल रही है, वहां देख लो। एक तो बढ़िया मूवी चलाई है भूत की, उसी में डरा रहे हैं मेरे को। कोई और मूवी लगा लो। तू मेरा बेटा है ना, भूत से मर्डर। बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता, बेकार में डरता रहता है यार तू झूठी बातों पे। इतना शानदार तेरा शरीर है, पर्सनैलिटी है, बीत है, भूत भूत कुछ नहीं होता। सतीश शर्मा, भूत को अंडरएस्टिमेट करता है। नहीं नहीं नहीं, कौन गया पापा? कहता है कहता है मेरा आधार कार्ड ले गया। पापा तो गए, तब कहेंगे आपको। अरे टीचर को बुला साले को। अरे पापा वो तो ब्लॉक है, कॉल भी नहीं उठाएगा। बहुत रिच क्लास बनते हो ना तुम, मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। मतलब क्या भाई साहब? भूत आपका मतलब भी बता दूंगा, आज से तुम्हारे फालतू के खर्चे बंद, ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। ये बताओ यहाँ से जाने की कितने पैसे लोगे आप? पैसे जितने भी लोगे बताओ, मैं दूंगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ मैं दूंगा। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मेरी 3 इच्छाएं हैं, वो पूरी करो। 3 इच्छाएं? पापा पापा पापा, क्या पता हम तीनों की जान मांग लाए। पहले इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। पापा एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्लान है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। चलो चलो, 1 2 3। पापा चिपक गए। अबे मेरा हाथ छोड़। अबे पापा मैंने तो पकड़ा ही नहीं। पापा उठा नहीं जा रहा पापा। मेरी पहली इच्छा, आज से तुम गरीब बच्चों को खाना खिलाओगे। पापा इतनी सिंपल सी चीज, अभी ऑर्डर करता हूँ जोमैटो में, एड्रेस भी उन गरीब बच्चों का दे दूंगा। अबे भाई साहब, भूत क्या चाहते हो आप? जोमैटो का फालतू खर्चा नहीं, वही खाना जो तुम वेस्ट करते हो, खाने के बाद डस्टबिन में फेंकते हो। डस्टबिन में फेंकने की बजाय वो खाना तुम उन गरीब बच्चों को खिलाओगे, वो भी अपने हाथों से खिलाओगे ना। खिलाएंगे पर मार मत यार, मार मत, बहुत जोर की लग रही। तो दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा जब बताऊंगा, जब तुम पहली इच्छा पूरी कर दोगे। तैयार कर, जल्दी खिलाने चलो, जल्दी से चलो मम्मी, जल्दी मरवाओगे भूत आ जाएगा। इतने पैसे वाले राइस करोड़पति ये झूठा खाना बांटते फिर रहे हैं अब। पापा वो भूत बैंड बजा देगा आपकी, मत बोलो ऐसे। तू डरा मत यार, यही तो बात है, अच्छा भूत है, वो इंसानों वाले काम करवा रहा है। हम गलतियां कर रहे थे इतनी ज्यादा जो खाना फेंक रहे थे। ठीक कह रही वैसे मम्मी पापा। ये समझदार कब से हो गई यार? पता नहीं।
मम्मी पापा ऐसे नीचे बैठ के कौन खाना खाता है? टेबल मंगवा लो, जल्दी से किसी लेबर को बोलो और टेबल मंगवाओ। यहाँ पागल है, भूत आ गया ना टेबल पे लिटा के, तेरे को ही अच्छे से कूट देगा वो। यही खाएंगे, नीचे बैठ के खाएंगे। अरे बच्चों ने हाथ तो धोए नहीं। अरे तुम जल्दी खिलाओ, हाथ धुलवाने के चक्कर में पीछे ही आ जाएगा वो। वो भूत धो देगा मम्मी हमें, तुम जल्दी करो, अपने हाथ से खिला दो ना जल्दी से। अपने दर्द को जब भी देता है दुआएं, ऐसे उस हम दर्द को बांट ले, सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास। पापा मम्मी वैसे इन बच्चों को खाना खिला के दिल को अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यार। पापा तो है ना, आज के बाद ऐसे जब भी खाना बचेगा हम इन बच्चों को लाकर खिला देंगे वो। बेटा बचा हुआ नहीं, अब इन बच्चों के लिए तेरी मम्मी रोज एक्स्ट्रा खाना बनाएगी और इनको ताजा खाना लाके खिलाया करेंगे। हाँ बेटा, मैं रोज एक्स्ट्रा बनाऊंगी और रोज ताजा ताजा खिला के जाया करेंगे इनको। ठीक कह रहे हो मम्मी। और दिखा कहाँ काटा तेरे को, खाना तो खिलाया है, दूसरी विश क्या होगी उसकी? पापा कहीं दूसरी विश में उड़ा तो ना दे तीनों को मैं। अबे यार एक तो उसका खौफ मार रहा, ऊपर से तेरा विचार। चुप रहे बेटा चुप रहे, ऐसा मत सोच। कब आएगा पापा को? खाना खिला दिया, अपने हाथ से खिला के आए हैं, अपने हाथ से खिला के आए हैं। ये देखो प्रूफ है, यहाँ से काट लिया, मेरे भी काटी करा। मेरी दूसरी इच्छा ये है, ये जो तुम फालतू का खर्चा करते हो ना, बिजली वेस्ट करते हो, एसी चलाते हो, रूम में कोई नहीं है, फैन ऑन रहता है, लाइट ऑन रहती है, ये खर्चा नहीं होना चाहिए। और लिफ्ट से आना जाना बंद तुम्हारा, सीढ़ियों से आ जाओगे, लाइट की बचत करोगे। और ये तुम थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ी लेके जाते हो ना, ये फालतू का खर्चा भी बंद, पैदल जाओगे। और आज से घर में कोई मेड नहीं आएगी, घर का सारा काम तुम खुद करोगे, खुद। भूत बाबा, काम और बाढ़ तो नहीं, तो ये दोनों मेरे से कराएंगे सारा? नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे, तू मत करियो, हम करेंगे। गया तीसरी विश तो बता ही नहीं पापा। मैं तीसरी छोड़, झाड़ू पोछा करेंगे, ये चुगल छोटी तो मरवा देगी यार, तू बैठी बैठी और मोटी हो जाएगी। आजा बेटा, आजा, पता नहीं साला कहाँ से देख रहा होगा। चलो पहुंचे टाल पे, आजा। मेरी बॉडी सुन जरा, चलो करें कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का। Who the man? I the man. Who the man? You the man. I got the hip hop like nobody can. पिछले जन्म का कैरेक्टर हूँ मैं। मम्मी खाना बना लो, भूख लगी है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बेटा, ऑर्डर कर ले बाहर से। हाँ ऑर्डर करता हूँ, फोन कहाँ गया मेरा? मम्मी क्या कह रहा था, ऑर्डर करेगा? फालतू के खर्चे नहीं, मैं बनाऊंगी ना, मैं खाना बनाऊंगी, मैं सब्जी रोटी रायता सब कुछ बनाऊंगी, आपका भी बनाऊंगी। मैं बर्तन मार दूंगा, बर्तन साफ कर दूंगा। मैं क्या करूंगा
हाँ मैं खा लूंगा। बस 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 पेट भर गया, पेट भर गया। मैं आपको खिला दूंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा। भूत राजा कब आएगा वो भूत? भूत इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, फोन कर उसको यार। अरे पापा हर बार लेट करता है, टाइम का पंक्चुअल ही नहीं है। भूत को फोन करोगे? क्या नंबर है उसका? पूछा ही नहीं यार। हाँ आपके आधार कार्ड में पीछे लिख के देगा। क्या है जल्दी बोल, तू क्या सोच रहा है? यूं करेंगे हम? जल्दी बोल विश क्या है तेरी? हमें पता है किसी को जूस पिलाना है, खाना खिलाना है या झाड़ू पोछा करना है, जल्दी बोल क्या करना है? या भंडारा लगवाना है? पैसा बहुत है, फोक देंगे ऐसे आग लगा देंगे आग। 10-20 करोड़ के तो चिंता ही नहीं है। प्रॉपर्टी? हाँ प्रॉपर्टी दे। प्रॉपर्टी? पापा सही में लग गई आग। हाँ प्रॉपर्टी के पेपर हमारे नाम है, तेरा उससे क्या? बच्चों के नाम करनी पड़ेगी। हम कैसे रहेंगे फिर? अभी तो तुम्हें पता चलेगा मिडिल क्लास फैमिली में रहना क्या होता है, कैसे गुजारा होता है। मिडिल क्लास पापा? रुक रुक, ठीक है, लेकिन मुझे सारी प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए, सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए। आज रात रात का टाइम है तुम्हारे पास? ले लो रात रात का ले लो, कुछ तो मिला। ठीक है आज रात रात का, आज रात रात का। आ गया आइडिया। आइडिया? बोलो बोलो बताओ जल्दी। मेरे पास एक भूतों का डॉक्टर है मेरा दोस्त। पापा डॉक्टर थोड़ी ना होते, तांत्रिक होते हैं भूतों के। तांत्रिक वांत्रिक गए तेल देने, दुनिया के 188 देशों में नाम है उसका। नाम सुना है? खुराफाती बाबा डीके, सुना है? नहीं। गूगल पे सर्च कर लेना। अब तुम चुप रहना, चुप रहना, मैं फोन करता हूँ। पर वो पता भूत बीमार तो रही है। अरे डिट जाओ ना मम्मी। हाँ धीर भाई क्या हाल है? नमस्कार। अरे पापा हाल तो उसके बढ़िया ही हो गए ना, काम की बात करो जल्दी से। कौन? नहीं नहीं ये तो को रात गली में सब्जी वाला था रास्ते में। हाँ रात को घूमता ही है। हाँ अच्छा सर एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, एक पता नहीं कैसे भूत से पल्ला पड़ गया यार। डरना नहीं, डरना नहीं, तुम्हारा पति है सर्वगुण संपन्न, ओमनीपोटेंट, बस डरना नहीं, बाकी उसकी तो मैं आज यो आओ। ठीक पापा डरना नहीं, डरना नहीं। हाँ चलो चलो कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो चलो मुंह तो देते मम्मी अभी। My God, what is this? ये तो मेरे भाई टांग का खेल था। Yes. अरे फीस आप एक काम कीजिए, आप मेरी फीस 2 करोड़ रुपए मेरे स्विस बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए। हाँ ओके थैंक यू बाय। अरे डॉक्टर साहब यहाँ ध्यान दीजिए, भूत पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी वो 3 गाड़ियां गई, आपका वो 200 गज का प्लाट गया, हमारी सारी प्रॉपर्टी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे चुप कराइए, आई नीड कॉन्सेंट्रेशन। चुप, इसकी भी फीस जोड़ देगा, चुप रहे। तुम जानते हो बेटे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैंने खुद इन्वेंट किया है भूतों को ढूंढने के लिए, इससे भूतों की एक्टिविटी मुझे पता लग जाती, मैं देखता हूँ कि कहाँ है भूत। जस्ट वेट, इसमें पासवर्ड डाल दूँ, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर। यस ओके लेट मी सी। भूत राजा बाहर आओ जा। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ना, ये डिवाइस मैंने बनाई है, इससे मैंने बड़े बड़े भूतों को पकड़ा है। इसका कमाल देखिएगा आप, इसका एक बटन दबाऊंगा ना मैं और भूत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 1 2 3
देखा? अरे डॉक्टर साहब, बस एक ध्यान रखना, ये भूत मारता भूत है। अभी देखिए, मैं इसका दूसरा बटन दबाता हूँ और ये भूत 9, 2, 11 हो जाएगा। 1, 2, 3, देखा? वो बैठा। और हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो, कोई बात नहीं, अभी भगाता हूँ तेरे को। 1, 2, 3। अब मैं तुझे एक डिवाइस दिखाता हूँ, मैं तेरे यहाँ से रैपट मारूंगा और तू रोएगा। दिस इज क्वाइट नेचुरल। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा दिया हुआ समय समाप्त हुआ। मिनट पापा, मेरे पे पैन नहीं है। पापा मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे पीछे छोड़ो, अब जल्दी से साइन करो पापा। नहीं नहीं, कर दो पापा, कर दो। बेटा तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। कोई नहीं मम्मी, जान बच गई। कर दो। भूत भाई साहब, ये भी अमीर है। अरे क्यों मुझे फंसा रहे हो भाई? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी, मैं तो टैक्सी में आया हूँ, टैक्सी के ऑटो में आया हूँ। अरे ये कोडिया पुल का भिखारी कैसे बन गया? ये क्या करवा दिया मेरा? ओ मिस्टर भूत, प्लीज ये तो बता दो कि मतलब तुम्हारी हालत कैसी हुई? तुम ये कैसे करने लगे? तुम ये भूत कैसे बने, ये तो बताओ। ये जानना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा और तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट।